शिक्षा के अधिकार के पिछले वर्ष के बकाया सहित 8 मांगों को लेकर अशासकीय विद्यालय प्रबंधन संघ ने जिला मुख्यालय कोरबा में प्रदर्शन किया। 250 से भी ज्यादा विद्यालयों में आज सन्नाटा पसरा रहा है। संघ के द्वारा सरकार के निशाने पर लेने के साथ कहा गया कि उसके द्वारा हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ पक्षपात और भेदभाव किया जा रहा है, इस पर रोक लगानी जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की नीति भारत सरकार ने बनाई है। इस पर होने वाला खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, जिसकी राशि एक दशक से ज्यादा समय बीतने पर भी 7,000 निश्चित है। अशासकीय विद्यालय प्रबंधन संघ ने इस राशि में बढ़ोतरी करने, वर्ष 2022-23 की बकाया राशि का भुगतान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को देने की मांग की। संघ के पदाधिकारी ने इस पूरे विषय पर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। मनोज दिनकर की रिपोर्ट। मुख्य मांगे हैं 8 सूत्री मांग, उनको हम पूरा करने के लिए अभी उतरे हुए हैं। जैसे हमारा 8 सूत्री मांग पूरा नहीं होता तो 21 तारीख को रायपुर में धरना प्रदर्शन फिर करेंगे। तो उस धरना प्रदर्शन में स्कूल मैनेजमेंट वाले शामिल होंगे या फिर स्कूल के विद्यालय के टीचर्स को मिल जाएंगे? स्कूल मैनेजमेंट जाएंगे, मैनेजमेंट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने जाएंगे तो उसका प्रतिनिधि बन के जाएंगे, मगर जरूर जाएंगे। जारी रहेगी उस पीरियड में? बंद करेंगे उस दिन भी, बंद करेंगे। हम सरकार हम लोग से भेदभाव कर रही है। सरस्वती साइकिल योजना अपने सरकारी टीचरों को देते, सरकारी बच्चों को देती है, प्राइवेट स्कूल को नहीं देती, और बोलता है कि हमारे सरकारी पुस्तक चलाओ, अपना खुद चलाते हैं। हम लोग भी चला रहे हैं, अरे उसी प्रकार हम लोग को दो ना। छात्रवृत्ति में इसी भेदभाव करता है, छात्रवृत्ति प्राइवेट स्कूल वालों को कम मिलता है, आईटी की राशि भी वैसी करता है। पार्टी की राशि अपना परिचय देंगे। शिव शंकर जायसवाल। कौन से विद्यालय से हैं आप? कलचुरी पब्लिक स्कूल संचालक कटघोरा। संचालक हैं? यस। तो ये बताइए कि जो समस्याएं हैं वो स्कूलों की समस्याएं हैं? स्कूलों की समस्या। टीचर्स क्यों हैं यहाँ पे? जिसका मालिक नहीं आया, प्रिंसिपल नहीं आया, उसका प्रतिनिधि बन के आए हैं। प्रतिनिधि में एक टीचर होना चाहिए कि पूरा स्कूल होना चाहिए? प्रतिनिधि बन के आए, अब उनके साथ आ गए हैं एक दो लोग। हमारे यहाँ कोरबा, आप मेरी से सुनिए, मेरी से सुनिए आप। 286 स्कूल है हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल, उसमें अधिकांश स्कूल आए, 75% स्कूल जिसका मालिक नहीं आया, उसका प्रतिनिधि आया है। तो मालिक को सामने आना चाहिए ना? जब बाहर गए होंगे तो आप अपना प्रतिनिधि तो भेज सकते हैं ना। तो बाहर जाएंगे, सारे बाहर जाएंगे? सारे नहीं है, पहले गिन लीजिए आप कितने हैं मालिक। नहीं नहीं, अधिकांश लोग आए हैं, अधिकांश लोग आए हैं, मालिक और प्रिंसिपल। यहाँ पर तो कई स्कूल टीचर भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपका कथन गलत है। हम जानेंगे कि आप जानेंगे। भैया जी, पांचों स्कूल पांचों उंगली बराबर नहीं आता होता। मैक्सिमम संचालक और मैक्सिमम प्रिंसिपल लोग आए हैं। और साथ जी बताइए क्या क्या मांगे हैं आप लोग? आज हम लोग सभी प्राइवेट स्कूल वाले धरना में बैठे हैं कोरबा से। तो हमारी मांगे, जैसे हर क्षेत्र में अपने अपने मांग को रखते हैं, और हम लोग पहली बार, हमारे प्राइवेट स्कूल वाले लोग आज हम लोग अपने धरना आंदोलन में हम लोग बैठे हैं, सड़क उतरे हैं, क्योंकि जो हमारे साथ जो भेदभाव होता है, जब शिक्षा तो सभी बच्चों को बराबर मिलती है, या वो गवर्नमेंट की रहें या प्राइवेट की रहें, शिक्षा एक जैसी रहती है। लेकिन जो शासन से जो लाभ होने वाली है उसके लिए भेदभाव क्यों की जाती हैं? प्राइवेट के लिए अलग और गवर्नमेंट के लिए अलग, ऐसा क्यों होता है? तो यही हम सब प्रश्न करना चाहते हैं, और आज हम सब सड़क उतरे हैं कि हमारी जो 10 जो मांगे हैं, जो हमारे शासन से लाभ मिलना चाहिए हमारे स्कूल को, निजी स्कूलों को, ये क्यों नहीं मिल पाती हैं केंद्र सरकार से? आज जैसे कि आरटीए का है, आरटीए का जो राशि है वो नहीं आ पाता है समय, जो 500 ड्रेस के लिए आता है, क्या 500 में, मैं आप सभी से पूछती हूँ, 500 में ड्रेस आते हैं? आजकल मार्केट में महीने दो महीने साल भर में सब चीज़ का रेट बदल रहे हैं, फिर हमारे शिक्षक का ही जो राशि है आरटीए राशि 12 साल हो गया है जैसा मिल रहा है वैसी, और हर साल नहीं मिलता है, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, 2 साल 3 साल, वो भी आधा आधा करके किस्तों में दिया जाता है, एक साथ क्यों नहीं दी जाती हैं? और जो सरस्वती योजना है बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट में दी जाती हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं दी जाती हैं? तो ऐसा एक प्रकार से भेदभाव और दुश्मनी ही की जा रही है शासन से। तो हम सब आज बहनें, सब शिक्षक, हम सब बैठे हैं, और हमारे मांग, अब हम सड़क में उतर गए हैं, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जो हमारे बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होनी चाहिए, और अपने हम जो मांग, जो हम जो बैठे हैं उसको तो पूरा करके ही हम लेंगे।
तो इस मांग को लेकर जितने भी निजी स्कूल वाले हैं उनको सामने आना चाहिए, तो वहाँ के पूरे स्टाफ लोगों को सामने ला रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? अब सर सूचना सबको मिली है, अब सब कोई आया, अब नहीं आए उनका कारण अब वही लोग जानेंगे, क्योंकि अब सब प्राइवेट वो इस्तेमाल कर रहे हैं टीचर्स लोगों का। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि निजी स्कूल है तो स्टाफ है। आप लोगों की ड्यूटी क्या बनती है? स्कूल पढ़ाने की ड्यूटी है ना कि आंदोलन करने की ड्यूटी है? नहीं नहीं पढ़ाने की है, लेकिन क्या है अगर जो आता है जो शासन प्रशासन जो करती है ना उसके आज हम लोग तो पता ही ना भैया कि हम लोग पहली बार आंदोलन में बैठे हैं, आज तक हम लोग कभी नहीं बैठे हैं, और शिक्षक जो महान कहलाता है इसी नाम से महान कहलाता है, क्योंकि हमारे पीछे हमारे बच्चे जो भविष्य के नागरिक कल बनेंगे तो उस पर टिकी हुई है, तो हम लोग सोच समझ के चलो जो कर रहे हैं चलो सहते आ रहे थे, लेकिन अब कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया अब जो, क्योंकि शासन तो चाहती है कि प्राइवेट स्कूल बंद ही हो जाए, यही चाह रही है, इसीलिए सब योजना कर रही हैं। अगर नहीं चाह बिना टीसी का एडमिशन, जब हम लोग को नियम बताया जा रहा है कि बिना टीसी का एडमिशन नहीं करना है, तो आत्मानंद जब वो स्कूल खोला तो फिर काहे बिना टीसी का एडमिशन कर रहे, ये तो गलत है ना, एक तरफ हम लोग को नियम बताया जाता है दूसरी तरफ उसी नियम को लोग उल्लंघन करते हैं, तो ये तो गलत है ना सर। बताएंगे अक्षय दुबे शासकीय विद्यालय प्रबंधक संघ जिला अध्यक्ष। अच्छा, किस मांग को लेकर आप धरना प्रदर्शन किए हैं? बीते 13 वर्षों से आरटी की राशि एक ही है, जो आज तक उसमें ना कोई वृद्धि की गई है ना किसी प्रकार की उसमें वृद्धि की कोई आशंका भी बनाई जा रही है, जिसको लेकर के विशेष धरना प्रदर्शन की जा रही है। दूसरी बात, शासकीय विद्यालयों को साइकिल योजना के तहत 9वीं के बाद बच्चों को साइकिल दी जाती है, जबकि शासकीय विद्यालय बच्चे भी सरकार के ही छात्र हैं जिनको साइकिल योजना के तहत कोई साइकिल प्राप्त नहीं होती है। साथ में और आपके बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमें लॉस होता है, हर बार शासकीय विद्यालय को शासकीय विद्यालयों से अलग रखा जाता है, जबकि छात्र सरकार के ही हैं और उनके हित के लिए ही कार्य किया जाता है हमेशा, और सरकार की जो भी योजनाएं रहती है जिसमें हमेशा हम लोग शासकीय अशासकीय मिल करके ही कार्य करते हैं, फिर भी अशासकीय को शासकीय विद्यालय से बिल्कुल अलग दिशा में रखा जाता है। साथ में 8 सूत्री हमारी मांगे हैं इन दो के अलावा, जिसमें हमारी है प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाए, हमारे शिक्षक हैं प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं उन शिक्षक के कितने वर्षों से 20-20 साल, किन्हीं को 15 साल, किन्हीं को 30 साल हो गए अपनी यहाँ पर अपना सेवा देते हुए, फिर भी उनको किसी प्रकार का शासकीय यदि कोई होता है भर्ती होती है उसमें ना कोई उनको बोनस अंक प्राप्त होता है, ना किसी प्रकार का उनको अनुभव का लाभ होता है, ना उन्हें केंद्राध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि शासकीय विद्यालयों को केंद्राध्यक्ष का ही मौका मिलता है, जबकि हमारे अशासकीय विद्यालय में भी अनुभवी 30-30 साल 35 साल के शिक्षक हैं जिन्हें मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और अपने जो जितने भी आईटी की राशि है वो पिछले एक एक साल लेट आती है विलंब, जबकि वो ईयर वाइज जैसी संस्था ख़त्म होती है मिलनी चाहिए, क्योंकि छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय शासकीय विद्यालय हमेशा से सेवा कार्य कर रहा है, शिक्षकों को सैलरी देना होता है, तो 25% जब आईटी की राशि नहीं प्राप्त होगी तो उससे स्कूल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और समय से ना मिलने की वजह से विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन और कई सारी समस्याएं जो आ जाती है। साथ में आईटी की राशि में विद्यार्थियों को 540 रुपये का आपको वो मिलता है ड्रेस लेने के लिए पैसा, अब आप बताइए क्या 540 रुपये में एक छात्र को ड्रेस मिल सकता है? इसको बढ़ाने के लिए हमारी एक प्रमुख मांग है। तो इस प्रकार से 8 सूत्री हमारी मांगे हैं जिसको लेकर के हमारा आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा गया है। किस स्कूल के टीचर यहाँ बैठे हुए? यहाँ पर आज 100% कोरबा जिला से हर ब्लॉक से विद्यालय के शिक्षक शिक्षाएँ एवं संचालक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं आज।